अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर ऑल फाइन, स्टे ब्लेस्ड। लेट्स गेट स्टार्टेड ओवर टुडेज लेसन, वीक नंबर 12 एंड लाइन नंबर 93। इट इज़ एप्लीकेशन राइटिंग, वर्कबुक पेज नंबर 42। यू नो वेरी वेल हाउ यू हैव टू राइट, हाउ यू हैव टू स्टार्ट एन एप्लीकेशन एंड हाउ यू हैव टू एंड द एप्लीकेशन इन द एप्लीकेशन ऑफ अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। नाउ लुक एट दिस, सेम द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग इज सेम। The content of the body of the application will be like this. I beg to say that I have to attend my brother's marriage party. मेरे बहुत मौतवाना इल्तमास है कि मैंने अपने भाई की शादी अटेंड करनी है। I am unable to come to school और मैं स्कूल नहीं आ सकता for 3 days. You have to add S here, okay? Date it has 7 to 10. Kindly grant me leave for 3 days. या दीज डेज, ठीक है ना, दीज डेज कर लीजिएगा। 3 डे हम यहाँ पर मेंशन कर चुके हैं। मुझे इन 3 दिनों की जो है रुख्सत अनाए फरमाया। आई शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत ममनू होऊंगा या शुक्रगुजार होऊंगा। एंड देन यू हैव टू एंड अप लाइक दिस, यूज ओबीडिएंटली कोमा नेम एंड डेट, ओके? और नेम में आप ऐड करेंगे XYZ, ओके? दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ brother's marriage party and page number 82. You have to learn it very well beta. और अपने spellings देखिएगा, कहाँ पर comma use हुआ है, कहाँ पर full stop use हुआ है, उसको बहुत focus रखिएगा, क्योंकि अगर आप ये focus नहीं करते हैं तो इसके आपके numbers की deduction होती है, ठीक है? So be very careful and write this application on your workbook. Do the practice of it on your rough notebook and stay blessed.